नमस्कार सबको। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी, जो कि आपने ऐसी सब्जी कभी नहीं खाई होगी। ऐसी टेस्टी सब्जी बनती है ना ये काट के। तो इसके लिए मैंने लिए करेले 1/2 किलो, तो और प्याज 5 कटे हुए रफली चॉप किए हुए हैं, और छोटे छोटे 5-6 टमाटर, ठीक है जी। ये मैंने काट के रख लिए थे पहले करेले, और उसके बाद मैंने इनको थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख दिया, और फिर वॉश करके इनको थोड़ी देर रख दिया था सुखाने के लिए। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। ये मैंने पहले ही डाल दिए थे, तो इनको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 1/2 kg करेले हैं ये, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। आपने भर में करेले खाए होंगे, लेकिन ये कटिंग वाली जो सब्जी है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और बनाने का जो तरीका भी इसका इजी है, और टाइम भी इसमें बहुत कम लगता है, ठीक है जी। तो देखिए आप इसको ध्यान से। हाँ जी, मैंने ये करेले सारे फ्राई करके यहाँ पे रख लिए हैं। तो अब ये जो मिर्चें हैं, अब ये फ्राई इसमें कर लेंगे हम। मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है दूसरी में, तो ये मिर्चें हम इसमें फ्राई कर लेंगे। बस ये थोड़ी देर में फ्राई हो जाएंगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। ये देखिए फ्राई हो गई है, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ठीक है जी। अब ये प्याज हमें फ्राई करने होंगे, तो प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप कम करेले बना रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर ज़्यादा बना रहे हो 1/2 kg या 1 kg, तो उसमें थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसे लग जाएंगे 3 से 4 मिनट, जब तक ये फ्राई हो जाएं, तो फिर आगे की प्रोसेस चलेगी। हमारे प्याज थोड़े थोड़े फ्राई होने शुरू हो गए हैं, अच्छे रेड होने, बट इसे हमें भूनना है अच्छे से, नहीं तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी फिर करेले में। अब ये थोड़े कच्चे रह गए, पूरी तरह से इसको फ्राई करना है। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, तो बस हमारे प्याज ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारे कटे हुए टमाटर, टमाटर से पहले हम इसमें डालेंगे ये हमारे जो करेले की जो स्किन होती है ना, वो मैंने अलग से धो के रख ली थी, तो इसको हम इसमें फ्राई कर देंगे अच्छे से पहले, क्योंकि मैंने फेंकी नहीं ना ये,
कई इसको फेंक देते हैं, तो इसको बीच में ही इसके फ्राई करें ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है हमारी करेले की सब्ज़ी। तो आप बना के देखना ऐसे, क्योंकि ना ही ये वेस्ट जाती है, क्योंकि स्कैल्प में ही इसमें जो स्किन होती है उसी में सारा कुछ होता है। तो हम इसको जब फेंक देते हैं ना, तो जो इसकी अंदर की वो होती है करेले की, वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि छिलके में सारा कुछ होता है अगर हम देखा जाए तो, असली विटामिन। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी, इसको अच्छे से इसको इसमें फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। हाँ जी, भुन चुका है हमारा ये प्याज और करेले का जो छिलका था। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, 3 से 4 टमाटर डालेंगे इसमें। ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें, बट ये छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 4-5 डाल दिए। तो अब इसमें जाएगी हल्दी, और 1/2 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अभी 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे भूनेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से भुन ना जाए और ये हमारा जो मसाला है अच्छे से ऑयल लीक ना करें, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। लीजिए, हमारा जो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर ये प्याज, टमाटर एंड करेले का छिलका था जो सारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे जो फ्राई किए हुए हैं करेले, वो इसमें हम डाल देंगे। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो इसे ढक के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 4 से 5 मिनट के लिए। लीजिए, हमारे करेले रेडी हैं बनके। मैंने अपनी कढ़ाई चेंज कर दी थी इसमें, तो मैंने आयरन की कढ़ाई में डाल दी है। अभी ये थोड़ा सा अच्छे फ्राई हो जाएंगे। अब इनको आप सुबह, दोपहर या फिर डिनर में खा सकते हो, दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आज की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अपनी अगली रेसिपीज आपके सामने जल्दी से जल्दी ला सकूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।